मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरर प्रोपेगेशन की बात करेंगे। जब कोई एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सपोनेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया था, सपोज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मान लीजिए मेरे पास में ये एक कोई वॉल्यूम क्यूब है, इस क्यूब का मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक कंसीडर करता हूं यहां पे क्यूब, क्यूब का जो साइड है वो कंसीडर करता हूं ए। क्यूब बनाना तो सबको आता है, सेंटर से दूसरा स्क्वायर हम लोग और बना देते हैं, इन साइड्स को आपस में मिला देते हैं, बहुत बढ़िया वाला क्यूब हमारा बन जाता है, साइड ए का क्यूब बन गया। अब अगर इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम को मैं यहां जेड कह रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर थ्री। यानी यहां तक मेरे को एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। लेकिन एक बच्चा ये लेंथ मेजर करता है, सपोज इस लेंथ में प्लस माइनस ए और प्लस माइनस ए का एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। तो जो मेरे पास ये जेड आ रहा है, जो मेरे पास फाइनल मेजरमेंट आ रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है, उसमें कितना चेंज आएगा, कितना एरर हो सकता है, ये बात मुझे यहां कंप्यूट करनी है। पहले मैं फॉर्मूला निकालूंगा, फिर फॉर्मूले के बाद मैं क्वेश्चन करूंगा, मेरा टाइम हो जाएगा। जैसा मैंने यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, 100% आप लोगों के यहाँ एक क्वेश्चन आना है, और ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में तो आएगा ही आएगा, यूटी में भी आएगा, सीटी में भी आएगा, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कौन सा क्लियर होगा। इवन दैट जो फाइनल एग्जामिनेशन हमारा होता है 70 मार्क्स वाला, वहां भी इस क्वेश्चन के या इस तरह के क्वेश्चन के आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगेन स्टूडेंट्स, डेरिवेशन सीबीएसई में रेयरली आपसे कोई डिस्कस करता है, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप लोगों से मोस्टली डन होता है, मोस्टली पूछा जाता है। तो आप लोग इसको सही से देख लेंगे, डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा, और बाकी फॉर्मूले का यूज करना तो आप लोगों को या हम लोगों को सीखना ही सीखना। चलिए तो बच्चों, इस चीज को मैंने यहां लिखा जेड इक्वल टू ए टू द पावर एन, ठीक है। अब अगर मैं एरर का कॉन्सेप्ट इसमें डालना चाहता हूं, तो मैंने डाल दिया जेड प्लस माइनस डेल्टा है, ए की जगह पे प्लस माइनस डेल्टा है, और जो एक्सपोनेंट था मैंने एग्जांपल के लिए थ्री ले रखा है, वो मैंने एन डाल दिया जनरल फॉर्म के लिए। अब बच्चों, इस ब्रैकेट में से अगर मैं ए को बाहर निकालता हूं, तो ये ए अपने साथ अपनी पावर भी लेके आएगा, अकेला थोड़ी ना आ जाएगा, गुड। तो जब ये अपनी ए पावर साथ में लेके आएगा, तो यहां पर तो बच गया वन, ए टू पावर एन बाहर आ गया, और अंदर डेल्टा ए ओवर ए हो गया। अब इस ए के ऊपर तो पावर पहले से है ही, तो ये स्टेप मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ए टू पावर एन वन प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। यानी अगर मेरे पास कोई एक्सपोनेंट ऊपर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो मुझे कैसे कॉमन लेना है, ये बात यहां पे क्लियर हो गई होगी। ये बात क्लियर हो गई कि अगर यहां पावर है, मान लीजिए एन पावर है, तो मैं ए को बाहर निकाल सकता हूं। इस स्टेप से देखें, ए प्लस माइनस डेल्टा ए टू दी पावर एन है, अगर इस ब्रैकेट में से मैं ए को कॉमन लेना चाहता हूं, तो ये ए अपने साथ अपनी पावर को भी बाहर लेके आएगा, तो मैंने ए टू पावर एन बाहर निकाल दिया, अंदर से मेरा ए गायब हो गया, और डेल्टा ए के नीचे पहले कुछ नहीं था, अब ये ए आ गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट नॉट। तो इस तरह से मैं इस स्टेप पर पहुंच गया। ये देखिए, यहां मैंने इस वाले टर्म की बात की, तो इसमें से जेड को कॉमन निकाला, जेड बाहर निकाला, तो ये वन आ गया, जेड अपॉन जेड करते ही, और ये डेल्टा जेड ओवर जेड ये मेरे पास आ गया। जो पावर है वो मेरी यहां आगे आ गई, क्यों आ गई, ये मैंने यहां समझाया हुआ है एक्सपोनेंट की कॉन्सेप्ट में, बाइनोमियल की कॉन्सेप्ट में। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये वाला टर्म कंपैरेटिवली काफी छोटा है, किससे, वन से, तो ऐसी स्थिति में जो पावर यहां पर थी वो यहां बीच में आ जाती है विद साइन। ये भी ध्यान रखना है, अगर यहां प्लस का एन है तो प्लस का एन आएगा, माइनस का एन है तो माइनस का एन आएगा। व्हाटएवर, सो ये फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने वन प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड इक्वल टू वन प्लस माइनस एन डेल्टा ए ओवर ए प्लेस कर दिया, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, और मैं यहां क्या देख पा रहा हूं, डेल्टा जेड ओवर जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए ओवर ए आ गया। बच्चों, अगर मैं यहां इस एग्जांपल को लेकर बात करना चाहूं, तो नो डाउट यहां जो वॉल्यूम है डेल्टा जेड ओवर जेड, वो आ जाएगा मेरा थ्री डेल्टा ए ओवर
यानी सीधे सीधे जो मेरी रिलेटिव एरर थी वो 3 times बढ़ जाएगी। कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 3 times। गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट नॉट? और ये रिलेटिव एरर बढ़ी है। अगर मैं परसेंटेज एरर की बात करूंगा तो सिंपल सा है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी परसेंटेज एरर भी 3 times बढ़ जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा हूं तो, स्क्वायर की बात करता हूं मैं, एरिया फाइंड आउट करता हूं तो 2 times बढ़ जाएगी। तो ये जनरल कॉन्सिक्वेंस आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। एक नॉर्मल वे में फॉर्मूला कैसे निकाला हम लोगों ने, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं सारा कुछ हटा दे रहा हूं, एक बार आप इसको ग्रेस्ट कर लें, फिर दोबारा से एक बार पढ़ के देखेंगे। आई होप तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखें बच्चों। आई होप सो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। मैं फिर एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं। ये मेरे पास फॉर्मूला था जेड इक्वल्स टू ए टू पावर एन, इसको मैंने लिखा एरर के टर्म्स में, तो यहां मैंने एरर ऐड कर दी या सब्ट्रैक्ट कर दी, यहां इसके साथ भी मैंने एरर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। पावर यहां एन था, पावर के साथ मैं इसको बाहर निकाला, ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया। यहां से मैंने जेड को बाहर निकाला तो जेड ये आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये वाला टर्म कहां से आया? ये वाला टर्म आ गया मेरा इस ब्रैकेट को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करने पे। बाइनोमियल एक्सपेंशन तब लगता है जब ये 1 के कंपैरेटिवली डेल्टा ए ओवर ए काफी छोटा हो। जब काफी छोटा होगा तो ये पावर एन जो है सीधे सीधे यहां पे आ जाती है, ये जो यहां रिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरह से मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया। अब मैं इसके प्रूफ की बात करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब प्रूफ की मैं बात करूंगा तो इसमें 2 नई चीजें मुझे पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि उन दोनों चीजों को आप लोग जो है वो रोट मेमोरी में डालें, यही ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि लॉग हमने कभी पढ़ा नहीं है, आगे भी नहीं पढ़ना। डिफरेंशिएशन तो पढ़ना है हम लोगों को 12th में, हालांकि हम जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें एक बार दे भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी अभी एफिशिएंसी नहीं होगी। तो मैं यही कहूंगा कि अभी तो आप 2 स्टेप रोड मैप में डाल लीजिए, लेकिन धीमे धीमे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। या किसी दिन जब हम लोग बिल्कुल फ्री बैठे होंगे, जिस दिन आगे पढ़ने का मन नहीं होगा, तो उन स्टेप्स पर और ज्यादा एम्फसाइज कर लेंगे। चलिए मैं डेरिवेशन कराऊँ। इससे पहले यहाँ एक जनरल फॉर्म दे रखी है कि जैसे मैंने अभी वॉल्यूम के लिए कहा था तो डेल्टा जेड ओवर जेड में सीधे सीधे 3 डेल्टा ए ओवर ए लिख दिया था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो भी पावर आ रही थी वॉल्यूम में, 3 पावर आती है, 3 एक्सपोनेंट आता है, तो सीधे सीधे आगे आ गया था। ऐसे ही मानिए ये जनरल कॉन्सेप्ट है। इसमें मेरे पास 1, 2, 3 क्वांटिटी है, तीनों के एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, एक का पी है, दूसरे का क्यू है, तीसरे का आर है। तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूं, ये तो मेरा रिजल्ट है डेल्टा जेड ओवर जेड। जो डेल्टा ए ओवर ए था इसके आगे इसकी पावर आ गई, डेल्टा बी ओवर बी के आगे उसकी पावर आ गई, डेल्टा सी ओवर सी के आगे उसकी पावर आ गई। यहां प्लस का ही साइन रहेगा, ये मेरा न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा ये प्लस का ही साइन रहेगा। रीजन बिहाइंड, वी आर कंप्यूटिंग हियर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में मेरे को हमेशा प्लस का साइन डालना है, कभी भी माइनस का साइन मेरे को नहीं डालना है स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं इसके डेरिवेशन की बात करता हूं, और डेरिवेशन के बाद में एक छोटा सा निर्णय करेंगे, और निर्णय करते ही छुट्टी हो जाएगी। बड़ी छोटा सा आज की क्लास है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बच्चों, ये ध्यान रखना। आगे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये परसेंटेज का दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जो हमारी रिलेटिव एरर्स थी उनको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। चलिए अब जनरल डेरिवेशन की बात करते हैं। हम जनरल डेरिवेशन कैसे निकाल सकते हैं ये जरा समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें, ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला जेड इक्वल्स टू ए टू दी पावर बी, बी टू दी पावर क्यू, सी टू दी पावर आर, हैव अ डाउट? चलिए मैंने इसका लॉग ले लिया। अब ये लॉग क्या होता है, बस ले लिया ये मान लो थोड़ी देर के लिए, लॉग जेड पी लॉग ए, जो पावर थी वो आगे आ गई लॉग ए, जो पावर थी वो आगे आ गई लॉग बी। ये डिनोमिनेटर में है इसलिए माइनस का साइन लॉग लेते समय, जो पावर थी वो आगे आ गई लॉग सी। ठीक है, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेल्टा डी जेड ओवर जेड, डी ए ओवर ए, डी बी ओवर बी और डी सी ओवर सी। माइनस का साइन अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज, जैसे ऊपर वाले डालना था।
तो लॉग का जब मैं डिफरेंशिएशन लेता हूं तो सीधे सीधे मेरे ये कॉन्सेप्ट आते हैं, ये भी मुझे अभी रूट मेमोरी में ही डालना है क्योंकि लॉग वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं। चलिए ये तो आ गया मेरा क्या डिफरेंशिएशन। अब इस डिफरेंशिएशन को अगर मैं एरर के टर्म्स में या फ्रिक्शनल एरर के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो बस होगा क्या, इस प्लस की जगह पे प्लस माइनस आ जाएगा, इस प्लस की माइनस की जगह पे प्लस माइनस आ जाएगा, यहां आगे कोई साइन नहीं था प्लस माइनस आ जाएगा। मैक्सिमम एरर मुझे कंप्यूट करना है तो माइनस वाले साइन में सारे खत्म कर दूंगा, सिर्फ प्लस प्लस के साइन रहेंगे और मैं सारे के सारे टर्म्स को ऐड करता चला जाऊंगा। अगर परसेंटेज में मुझे दे रखा है तो परसेंटेज को ऐड करता चला जाऊंगा और अगर रिलेटिव में दे रखा है तो रिलेटिव को मैं ऐड करता चला जाऊंगा। देखो बच्चों ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इस जनरल फॉर्मूले के बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करना चाहेंगे, एग्जांपल नंबर 20 के नाम से है। नो डाउट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन हमने इसमें काफी सारा काम किया है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है 11th 12th दोनों के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, एक्स का फॉर्मूला दे रखा है जो मेरे को एग्जाम में भी दे ही रखा होगा। यहां वो ए में एरर देता है 4%, ए में 4%, बी में 2%, बी में 2%, सी में 3%, सी में 3% और डी में 4%, डी में 4%। अब डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास इसका है, मैं यहां लिखता हूं, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स परसेंट। क्यों मैं परसेंट लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे को यहां सारी की सारी परसेंटेज में दे रखी है इसलिए मैं रिजल्ट भी सीधे सीधे परसेंट में ही ला रहा हूं। अगर ये मेरे को परसेंट में ना रखे होते, रिलेटिव एरर के टर्म्स में दे रखे होते तो मैं इसको परसेंट नहीं लगाता, रिलेटिव एरर ही निकालता। अगर गलती से मुझे ये एब्सोल्यूट एरर दे रखे होते तो इन एब्सोल्यूट एरर को पहले मेरे को रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना होता तब मैं डाल। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए ए की पावर 2 है तो 2 डेल्टा ए ओवर ए परसेंट प्लस बी की पावर 3 है तो 3 डेल्टा बी ओवर बी प्लस सी की पावर 1 है। अब माइनस 1 कोई बच्चा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अभी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कंप्यूट करना है, जब मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर कंप्यूट करता हूं तो मुझे माइनस साइन नहीं डालना होगा। आगे है देखिए डी, स्क्वायर रूट डी है तो वैसे तो इसकी पावर माइनस 1/2 है लेकिन मैं यहां माइनस नहीं डालूंगा प्लस का ही डालूंगा, 1/2 डेल्टा डी ओवर डी परसेंट। अब तो कुछ करना ही नहीं है बच्चों, 2 डेल्टा ए ओवर ए परसेंट मेरे को रखना है 4% 4 प्लस 3 डेल्टा बी रखा है मेरे को 2% 2 प्लस सी रखा है मेरे को 3 तो ये हो गया कितना 1 × 3 प्लस 1/2 डी में दे रखा है मेरे को 4 तो मल्टीप्लाइड बाई 4 ये कैंसिल आउट हो गया। ऐड कर दो 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस व्हाट 2 तो 14 17 19 आंसर आ गया सीधे सीधे 19%। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आंसर बच्चों आप लोगों का आ जाता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, यहां ये स्क्वायर रूट डी है तो इसकी पावर माइनस 1/2 है लेकिन मैं इसको यहां प्लस 1/2 में लेता हूं। एक कई बार वो ऑर्डरिंग में गलती कर देते हैं, ए की जगह पे बी की वैल्यू डाल देते हैं, बी की जगह पे सी डाल देते हैं, व्हाटएवर सो सी की जगह पे ए डाल देते हैं, तो ऑर्डरिंग गलत नहीं होनी चाहिए, जो जिसका एक्सपोनेंट है वो उसी के साथ में आना चाहिए। तो बच्चों आई होप सो आप लोग गलती नहीं करेंगे, बहुत छोटी सी क्लास है, मैंने इसको समअप करने की कोशिश की है। इस तरह से मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक डाउट सेशन हम इसमें देंगे, डाउट सेशन में आप कोई भी क्वेश्चन अपना डिस्कस कर सकते हैं, कहीं से भी हो, किसी भी बुक से हो, डजंट मैटर, लेकिन ये मेरा यहाँ पूरा आपको एश्योरेंस है कि जो भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ डाल रखे हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स में से 100% आपके पूरे साल होने वाले पेपर्स में क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो 20-22 क्वेश्चन है, कंटेंट ज्यादा था, वेटेज 3 मार्क्स की थी, कंपेटिटिव काफी कम थी लेकिन इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी। तो बच्चों इस यूनिट को किसी भी हाल में स्किप मत करना, इसके साथ में एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि आपके स्कूल्स में बहुत ज्यादा इस पर एम्फेसाइज नहीं होता, बस ऐसे ही निकल जाती है।
तो आप इसको हवा में मत निकालना, तरीके से करना, 11, 12 और कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब में बड़े ज्यादा काम आने वाली है। ये है बच्चों कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, मैं आप ब्रीफ कर देता हूं, आप वो ब्रीफिंग एक बार सुन लेंगे। देखिए ये तो सॉल्यूशन था, इसमें 17.5 कैसे आ रहा है ये आंसर तो देखना होगा। डी के लिए मेरा कितना था, 1 था, एक बार वी हैव टू चेक इट। देखिए जरा डी की पावर, डी का कितना दे रखा है, डी के लिए दे रखा है 1, तो अच्छा डी के लिए दे रखा है क्या 1/2 × 1, ठीक है। तो डी के लिए हमने क्या लिखा था, वहां शायद ऊपर हमने गलत लिखा था, खैर कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा से देख लेंगे एक बार। चलो मैं ही डिस्कस कर देता हूँ दोबारा से, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, या इसमें अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो वो भी देख लेते हैं। देखो मेरे पास ए में दे रखा है 4, बी में दे रखा है 2 और सी में दे रखा है 3 और डी में दे रखा है 1। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, तो जरा देखें यहां पावर 2 है तो मैंने 2 मेंशन कर दी, और यहां पावर 3 है तो 3 मेंशन कर दी, और यहां पावर 1 है तो मैंने यहां पे 1 मेंशन कर दी, और यहां 1/2 है तो ये मैंने 1/2 मेंशन कर दी। यहां तक ठीक है। अब वैल्यूज की बात करें, 2 × a में 4 बिल्कुल ठीक है, और यहां पे कितना था 3, बी में 2 है ये भी ठीक है, सी में 3 और 1 × 1 यहां लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं हम लिख देते हैं, और ये ठीक है। अब इसको कंप्यूट कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया और हाफ ये हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 8, 9, 6, 13, 17, 17.5% यही आंसर आप लोगों का करेक्ट है। तो आप इसको ध्यान से बच्चों देख लेंगे, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, वो मेरे से हो या आपसे हो, निश्चित रूप से हम लोगों को केयरफुली वर्क करना है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करें, तो सेम क्वेश्चन हमने आगे डाल रखा है रेसिस्टेंसेस को लेकर के, नो डाउट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है। बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना होगा, मैंने ये रेड मार्क से यहाँ डाल रखा है, ये फॉर्मूला आप लोगों को अपनी रूट मेमोरी में डालना है अभी। हालांकि ड्राइव डेरिवेशन जो है वो कॉम्बिनेशन से ही निकल के आता है, तो हम लोग ड्राइव भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये रूट मेमोरी में डाल के ही काम चलाना है। जैसे जैसे हम फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे आपको ये क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने ऊपर किया है, ये फॉर योर कहना चाहिए प्रैक्टिस मैंने डाल रखा है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग घर से लगा के देखेंगे, अगर कोई डाउट आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे, फोन कर लेंगे, यहां डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।